तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में पूजा जी आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स, मतलब कि वेरिएबल्स। ये सिर्फ वीवीए प्रोग्रामिंग की बात नहीं है, आप जितना भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं हर प्रोग्रामिंग में ये डेटा टाइप्स यूज होता है, यहाँ तक कि SQL सर्वर और उसके अलावा और भी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना आपको बेहद करना ही नहीं, इसको समझना, इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। क्या है वेरिएबल्स, क्या डेटा टाइप? तो सबसे पहले आप एक बार समझ जाइए, आपने देखा होगा कि हम बहुत बार में वाई एक्स जेड इस तरह से वाई एम डी इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स लेते हैं, उसके ऊपर हम स्टोर कराते हैं। होता क्या है कि अगर आपको वीवी के अंदर कोई कैलकुलेशन या कोई परफॉर्म करते हैं, जैसे 20+30 हमने कर दिया, अब इसका रिजल्ट 50 कहाँ जाएगा, कहाँ पे स्टोर होगा? इसको कोई स्टोरेज पॉइंट चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि रेंज a1.value इक्वल टू 20+30, तो a1 के ऊपर आपका 50 स्टोर हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि a1 हमें इसके लिए खाली रखना पड़ेगा, अगर पहले से A1 के अंदर डेटा हुआ तो ये रिप्लेस कर देगा, एडिट कर देगा। सो हमें हमेशा अपने सीट या किसी ऑब्जेक्ट को लेना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ये क्या होता है, ये टेम्परेली सेविंग लोकेशन होते हैं। आपके हार्ड डिस्क में ये R नाम का एक लोकेशन टेम्परेली सेव करता है और उसके ऊपर वैल्यू को स्टोर करता है, और बाद में आपको अगर इसकी ज़रूरत है, जैसे MSC बॉक्स में हमने R ले लिए है, तो फिर उसको रिटर्न करता है। क्लियर है? यस क्लियर। तो आपने अपनी अपनी वैल्यू को, अपनी कैलकुलेशन को, अपने फॉर्मूले रिजल्ट को आपने एक वेरिएबल पे स्टोर किया, और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है उसको आपने यूज किया, पहली चीज। अब इसका दूसरा इस्तेमाल और भी होता है कि कभी कभी क्या होते हैं कि हमें एक इनपुट लेना होता है और उस पर कई सारे आउटपुट देना होता है। ओके। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट सी इक्वल टू 20 इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हमने दे दिया एंटर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे MSG बॉक्स के अंदर शो कराना है C का 10%, ठीक है। फिर आपको वापस जो है यहां पे एक और कैलकुलेशन करानी है सी का 20% आप SC प्राइस करना चाहते हैं। अब इस तरह 3, 4, 5 और हो सकता है। अब एक बार आप इसको रन करेंगे तो आपसे एक बार इनपुट बॉक्स में कॉस्ट पूछेगा, आपने 50 दे दिया और आपको दो रिजल्ट देगा, 5 और 10। अगर मान लीजिए कि आप वेरिएबल्स इस्तेमाल ना करते तो इस इनपुट बॉक्स को आपको क्या करना पड़ता, यहाँ भी यूज करना पड़ता और यहाँ भी यूज करना पड़ता। अगर 10 बार है तो पर्संस को 10 बार एंट्री करनी पड़ती, समझ गए? तो यहाँ पे आपने कर दिया, जैसे मान लीजिए कि आप एक रिपोर्ट को ऑटोमेट कर रहे हो और आपका रिपोर्ट मंथली चलता है, तो आपको रन करने से पहले मंथ देना पड़ता है, और मंथ डालने के बाद वो जो है उससे 5 रिपोर्ट बना देता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर इस वेरिएबल का इस्तेमाल मंथ के लिए ना करें तो आपको 5 बार इनपुट बॉक्स देना पड़ेगा और 5 बार वो बंदा जैन जैन लिखेगा। अगर 100 रिपोर्ट होगा तो 100 बार लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि हमें अगर कोई इनपुट या किसी तरह की कैलकुलेशन, किसी तरह की कोई भी एक रिकॉर्ड हमें 10-15 जगह कोड में यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वेरिएबल्स को लेंगे और 10-15 जगह वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे।
इससे क्या होगा, सारा प्रोसेस अंदर ही अंदर हो जाएगा, बाहर वाले को सिर्फ एक बार इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है पूजा जी। हाँ। तीसरा यूज होता है कन्वर्जेंस। देखिए कन्वर्जेंस से पहले आपको सीखना होगा टाइप्स, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप अगर कहीं बहुत सारे कोड में देखेंगे कि यहाँ पे डीम करता हुआ कि डीम आर एज ए इंटीजर, तो ये क्या है? देखिए इसको बोलता है डिफाइन करना। अब यहाँ इस समझिए, डिम मतलब कि डायमेंशन, हार्ड डिस्क की किसी एक डायमेंशन में, आर मतलब आर नाम का, आर क्या हो गया, नेम हो गया, इसकी जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं। एज इंटीजर, इंटीजर इसका टाइप हो गया, कास्ट हो गया, मतलब कि आर के ऊपर अब जो है इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। इसके ऊपर आप जैसे कि आपने नंबर डाला 36 कर दिया, अब देखिए एम एस जी बॉक्स में आप देखेंगे आर, तो क्या होगा कि सिर्फ 256 को ही शो करेगा, और डेसिमल को शो नहीं किया, क्योंकि इंटीजर डेसिमल्स को नहीं लेता है। ठीक है, और साथ में इसकी कैपेसिटी भी है, अगर मान लीजिए मैंने 56,200 डाल दिया तो अभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ओवरफ्लो का एरर दिया, क्योंकि इंटीजर की कैपेसिटी इससे बाहर है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं रखता है अपने अंदर। ठीक है, दूसरा अगर किसी ने इसके ऊपर टेक्स्ट डाल दिया तो क्या होगा, ये आपका टाइप मिसमैच का एरर देगा। तो इससे एक वैलिडेशन हो गया कि भाई हमने इंटीजर डाल दिया तो आर पे इंटीजर ही स्टोर होगा, इसके अलावा कोई और चीज स्टोर नहीं होगा। राइट, तो इसलिए हम कास्ट डिफाइन करते हैं। अब क्या है कास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, सबसे छोटा जो होता है वो होता है डिम बी एज ए बाइट। अब बी इसी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, हम बी ले रहे हैं, बाइट के लिए बी ले रहे हैं, ठीक है ना, जोड़ी बी हो। अब डिम के बाद जो नंबर एज से पहले जो करेक्टर होता है या करेक्टर वर्ड कुछ भी दे सकते हैं, सेंटेंस नहीं दे सकते, वर्ड दे सकते हैं। ठीक है, बाइट। उसके बाद आपका होता है डिम बी एल एज ए बुलियन, बुलियन। फिर होता है डिम आई एज ए इंटीजर। फिर होता है डिम एल एज ए लॉन्ग। फिर होता है डिम डी एज ए डबल। जाता है डिम डी टी एज ए डेट। फिर आता है डिम एस एज ए स्ट्रिंग। फिर आता है डिम वी एज ए वेरिएबल। आप समझिए क्या है, इतने तरह के, ये जो आपको दिख रहा है इतने तरह के डेटा टाइप्स यूज होते हैं। तो इसमें आपका ये जो है डिम बी एज ए बाइट, ये आपका बाइट को लेता है, मतलब कि बी के ऊपर किसी भी तरह का टेक्स्ट, निगेटिव, डेसिमल नहीं डाल सकते, 0 से 255 तक डाल सकते हैं। बी एल जो है आपका बी एल ट्रू एंड फॉल्स लेता है। ठीक है, कहीं पे ट्रू फॉल्स की जरूरत हुई तो बिलियन बॉल को लेते हैं हम, ये स्टोर करता है। इंटीजर जो है आई जो है तकरीबन -32,000 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, आप बुक में देख लीजिएगा, जो पेज नंबर 199 दिया ना उसमें सब पूरा टेबल दिया हुआ है। प्लस 32,000 समथिंग का, 32,000 ही है ना, 3,20,000 हो गया, 3,20,000 प्लस 32,000 आता है। लॉन्ग में जो है आप डेसिमल तो नहीं डाल सकते, लेकिन एक वेरी वेरी वैल्यू डाल सकते हैं, इसकी लिमिट मुझे याद नहीं, इसकी लिमिट काफ़ी ज़्यादा है तो बुक में देख लीजिएगा। और डी, डी जो है डी डी इक्वल टू डबल, डी पे सबसे बड़ी वैल्यू और विथ डेसिमल लगती है। अगर आपको डेसिमल डालना है तो डबल ही लेना होगा, इन चारों में से, इन तीनों में से कुछ नहीं ले सकते आप। ठीक है, उसके बाद डी टी जो है डेट, अगर मान लीजिए कि आप डी टी इक्वल टू लिखते हैं 1-Jan-2020, अब बीवीए के हिसाब से क्या है, टेक्स्ट है, लेकिन डी टी जो है इसको डेट में कन्वर्ट कर देता है, तो कन्वर्जन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिंग एस के ऊपर कोई भी नॉन कैलकुलेटेड डाटा, चाहे टेक्स्ट हो या नंबर हो, आप स्टोर कर सकते हो।
ठीक है। नंबर को भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, नॉन कैलकुलेटिव होता है, इस पर डली गई वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होता है। ओके और कभी कभी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें याद रखना मुश्किल होता है कि हम क्या रखें, या फिर हमारे पास कंफर्म नहीं होता कि डेटा किस तरह का होगा। जैसे वी लुकअप में इनपुट वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, चाहे डेट भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है। तो मान लीजिए वी लुकअप जैसा फॉर्मूला हम बना रहे हैं तो वहाँ पे तो हम कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते। तो वेरिएंट में आप जो डालेंगे, आप नंबर डालेंगे तो नंबर हो जाएगा, टेक्स्ट डालेंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा, डेट डालेंगे तो डेट हो जाएगा, एनीथिंग आप वेरिएंट में डाल सकते हैं। क्लियर है? यस। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि हमने हमारे पास अब वेरिएंट है जो सब कुछ लेता है, तो फिर हम इनका यूज क्यों करें? क्या उसके दो रीजंस हैं। पहला कन्वर्जन, जैसे मान लीजिए कि मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं लेनी है, अगर कोई डेसिमल डालता है तो अपने वो डेसिमल रिमूव हो जाए, तो आपको अगर आपने वेरिएंट लिया तो आपको राउंड आपका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने डिन एल एच लॉन्ग कर लिया तो क्या होगा कि अगर कोई डेसिमल डालेगा या इंटीजर कर लिया तो डेसिमल डालेगा तो ऑटोमेटिकली और उसको राउंड कर देगा। ठीक है? हेलो, हाँ जी सुनिए। दूसरा, अगर आपने मान लीजिए डेट डालनी है, अगर आपने डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में डाला तो टेक्स्ट ही समझ लेगा ना, फिर डेट तो समझेगा नहीं वो। तो इसलिए वेरिएंट हम हर जगह यूज करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर डेटा टाइप चाहिए होगा या हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा उस केस में। दूसरा, जब भी आप कोई डेटा टाइप बनाते हैं तो इसका एक साइज होता है, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क में एक साइज लेता है। जैसे बाइट 2 बाइट लेता है, बुलियन भी 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, लॉन्ग आई थिंक 8 बाइट लेता है, डेट भी इसी के आसपास लेता है, स्ट्रिंग जो है एज पर टेक्स्ट लेता है, मिनिमम 8 बाइट और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लेता है, वेरिएंट 32 बाइट की 16 या 32 बाइट लेता है मिनिमम। अब बोलेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास जैसे मेरे सिस्टम में तो 2 TB का हार्ड डिस्क है और 20 GB का रैम है, तो ये तो केवी में है, बाइट में, सॉरी केवी भी नहीं, बाइट में है। तो रीजन ये है कि आपके पास एक सब्जेक्ट, जैसे RR आपने सब्जेक्ट बनाया, इसका मैक्सिमम लेंथ 255 KB है, समझे? अगर इससे ज्यादा की साइज की अगर माइक्रो आपने बना दिया तो प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा और आपका रन नहीं होगा। तो ये आप बड़े बड़े माइक्रो जब बनाएंगे ना वहां भी डिफेक्ट करेगा। अगर माइक्रो की साइज 255 से ऊपर हो गया, आपने बहुत सारे ले लिया तो दिक्कत हो सकती। क्लियर है? विदाउट इसमें नहीं आ रहा। तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्यों लेते हैं? इसमें और भी वेरिएबल्स, आप जो आपके जो टेबल्स है उसमें और भी वेरिएबल्स देखेंगे, जैसे सिंगल देखेंगे और भी बहुत सारे वेरिएबल्स देखेंगे, लेकिन उनका यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है? उनका क्योंकि वो जो प्रोग्रामिंग है एक्सेल की नहीं है, और भी जैसे वर्ड पे चलती है, आउटलुक पे भी चलती है, तो वहाँ इस तरह की चीज यूज होती है। तो डेटा टाइप्स में जैसे कि आप 3 तरह के डेटा टाइप्स होता है, एक तो हमारा डेटा टाइप्स हो गया, दूसरा हमारा होता है एरे डेटा टाइप्स, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, और एक चौथा भी होता है, उसको बोलते हैं इवेंट डेटा टाइप्स। अब चलिए चारों को समझते हैं। तो जैसे कि आपने एक डेटा यहाँ पर स्टोर कर दिया, अब जैसे मैं यहाँ पर सम करता हूँ, सम आ रहा त्रिपा, जैसे कि आपने यहाँ पर कर दिया कि डिम आर एज ए इंटीजर। ठीक है? तो आपने एक, अब मान लीजिए आपके पास 3 वैल्यू है, तो आर इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे 20 किया एक्सेप्ट कर देगा, लेकिन आर इक्वल टू 30 किया तो इस 20 को एक्सेप्ट रिप्लेस करके 30 हो जाएगा। और फिर आर इक्वल टू मान लीजिए आपने कर दिया 50, तो अब क्या होगा, 50 हो जाएगा, इन दोनों रिप्लेस हो जाएगा। अब मजबूरी आपकी है कि आपको तीनों वैल्यू स्टोर रखनी है, तीनों के तीनों वैल्यू रखनी है, तो आपको अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करना होगा, जैसे कि R, C, B। ठीक है? तो यहाँ पे आपको C करना होगा, यहाँ पे आपको B करना होगा।
बट प्रॉब्लम होती है इसको, जब हम लोग लूप वगैरह में ले जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीक्वेंस होता नहीं है, हमें पता नहीं चलता है क्या वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डिम आर, इसमें हम करते हैं 1, 2, 3 एज ए इंटीजर। और डिम की स्पेलिंग, और फिर यहाँ पे करते हैं कि r इक्वल टू r यहाँ पे 1 इक्वल टू 20, r 2 इक्वल टू 30, r 3 इक्वल टू 50। मतलब कि एरे क्या होता है, एरे होता है कि सेम कास्ट के मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता है, एक होता है सिंगल डायमेंशन, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशन। तो इसने अगर बात करें तो इसने क्या किया कि एक रो कॉलम बना दिया, इसमें 1, 2, 3 कर दिया। लेकिन इसमें मल्टी डायमेंशन की बात करें तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया डिम टी, और इसमें हमने कर दिया 1, 2, 5, 1, 2, 3 एज ए लॉन्ग, समझे? ओके। तो ये क्या होगा, ये एक टेबल बना देगा इस तरह के बैकएंड में डेटा, समझे, सिस्टम में, जिसमें 5 रो रखेगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 कॉलम रखेगा, और इसका नाम हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसका हो जाएगा 1, 2, 3। तो मान लीजिए कि आपको अगर इसमें मान लीजिए वैल्यू लिखना है, इस पर लिखना है, तो क्या हो जाएगा T 1, 2। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि T 1 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम इक्वल टू 50। तो आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे आपको पूरा का पूरा एक सीट का डेटा उठाना है जिसमें 50 रो है, 100 कॉलम है, या 200 रो है, 5 कॉलम है, तो वहाँ पे हम इसका इस तरह के डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ गए? ठीक है, हाँ। तो एरे समझ में आ गया आपको? ठीक है, एरे में एक हो गया सिंगल सिलेक्शन और एक हो गया हमारा मल्टी सिलेक्शन। इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टीपल डायमेंशन एरे। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा जो आता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, जिसमें हम जो है किसी डेटा को नहीं एक ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, जिसे हमने यहाँ पे एक हमने यहाँ पे लिखा कि डिम आर एज ए रेंज। हमने क्या किया, एक रेंज को आर बना दिया, समझे? ओके। और उसके बाद हम इसका यूज कब होता है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा एरिया है, मान लीजिए एक एरिया को आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अरेंज करना है, बहुत सारे एक ही एरिया में बहुत सारी चीज़ करना है, और एरिया का जो सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कल की क्लास में समझाया था कि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे डिम आर कॉमा सी एज ए हमने लॉन्ग कर दिया, ठीक है, आर कॉमा हमने लिखा रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट रो, ठीक है, सी में हमने लिख दिया अगेन रेंज एक्स एफ डी 1 डॉट एंड टू लेफ्ट डॉट कॉलम। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा रेंज A1 से स्टार्ट है कॉमा सेल्स R कॉमा C डॉट कॉपी पेस्ट, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो आपको मान लीजिए कि ये चीज़ आपको 5-7 जगह यूज करना है, तो 5-7 जगह कोड लिखना पड़ जाएगा।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोल दिया डिम जी एज रेंज, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेट जी इक्वल टू रेंज कर दिया। अब कहीं भी जाइए बस जी डॉट कॉपी, जी डॉट पेस्ट, जी डॉट सेलेक्ट, एनीथिंग, क्योंकि अब जो रेंज, ये जो रेंज करता था वो जी पे स्टोर हो गया, समझे? हेलो, करेक्ट करेक्ट। वैसे मान लीजिए कि ए आपके यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप डिम पी एज ए हमने रेंज ले लिया और हमने बोला पी इक्वल टू पी नहीं मान के पी सेट सेट पी इक्वल टू रेंज ए वन से लेके के 100। अब यहाँ पे जो भी करना है आपको अब तक पी के ऊपर कर लीजिए, तो रेंज पे अप्लाई होने वाले सारे फीचर्स पी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखिए, इससे पहले हमने वेरिएबल्स में इक्वल इस्तेमाल किया है ना, बट यहाँ पे सेट क्यों किया? देखिए यहाँ पे डेटा स्टोर, यह क्या हुआ, डेटा स्टोर होता है ना, बट यहाँ ऑब्जेक्ट तो स्टोर नहीं हो सकता ना, ऑब्जेक्ट तो असाइन होगा। जैसे जमीन खरीदी तो खरीद बिक्री थोड़ी होती है, ट्रांसफर होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि हमने जमीन खरीदा, बट एज ए टेक्नोलॉजी आपने जमीन को क्या झोले में रख के खरीदा है? जमीन जहाँ है वहीं पर पड़ा है, बस नाम पे आपके ट्रांसफर हो गया ना। क्या आप सब्जी खरीदने, आप सब्जी खरीद के लाते हैं झोले में, तो सब्जी आपने खरीदा, बट जमीन आपने नहीं खरीदा, जमीन आपको ट्रांसफर किया गया। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है कि रेंज ए वन इट मीन्स जमीन है, हमने इसका नाम ट्रांसफर कर दिया है A1 से लेके G के ऊपर। अब A1 जो है इसके नीचे कोड में G के नाम से जाना जाएगा, क्लियर है? इसलिए साइन करते हैं। और सिर्फ रेंज ही नहीं, आप यहाँ पे डिम W एज ए वर्कशीट भी कर सकते हैं, वर्कबुक भी कर सकते हैं, सेट W इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक। अब इसमें सेव एज करना है, कॉपी करना है, सेव एज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, सब आप W को कर सकते हैं। W डॉट डालेंगे तो वर्कबुक के सारे चीज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? ऐसे आप कर सकते हैं डिम W टू टी एज ए शीट्स कर दीजिए, वर्कशीट, शीट्स नहीं होता है, वर्कशीट्स होता है, शीट्स भी कर सकते हैं और वर्कशीट भी कर सकते हैं, हालांकि वर्कशीट ही किया जाता है, ठीक है? ऐसे आप कर सकते हैं कि डिम पी एज ए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन, पी एज ए चार्ट, पी एज ए इमेज, समझ गए ना? कोई भी एक्सेल ऑब्जेक्ट को पी पे स्टोर कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स में आगे हम कहानी बताएंगे। तीसरा चौथा जो आता है, हमने तीन या तीन चीजें बता दी, चौथा जो आता है वो आता है आपका प्रोसीजर, एक्शन भी कर सकते, इवेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि सेट के इक्वल टू शीट्स डॉट एड, समझे? अब यहां पे विथ के डॉट नेम इक्वल टू यहां पे शीट डॉट प्रोटेक्ट इक्वल टू पासवर्ड, यहाँ पे एड विथ, क्लियर है मैम? ओके, हमने बोला कि जो सीट के जो है एक सीट ऐड करने की प्रक्रिया है, ठीक है? और उसके बाद उस प्रक्रिया में आप क्या करो कि उसमें आप जो है नेम को रिनेम करना भी जोड़ दो, प्रोटेक्ट करना भी जोड़ दो। तो जैसे मान लो कोई सीट ऐड करना है आपको और उसका नाम डिफाइन करना है, उसकी प्रोटेक्शन डिफाइन करनी है, वो हाइड होना चाहिए, अनहाइड होना चाहिए, इस तरह की कई चीज़ें चाहिए, तो आप ऐड करके फिर एक्टिव सीट या करके करने से अच्छा है कि आप यहाँ विथ के साथ इस्तेमाल करें। जैसे आपको एक वर्कबुक ऐड करना है तो सेम वर्कबुक में ये लिखेंगे, आपको चार्ट ऐड करना है, आपको पेपर ऐड करना है, तो इस समय हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल्स हमारी न्यू शीट ऐड हो,
क्या बोल रहे हैं सर मैम? इससे हमारी न्यू शीट ऐड हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी और प्रोटेक्ट होगी, जी मतलब हाँ जी, उसी तरह से आप वर्कबुक ऐड करें, वर्कबुक को सेव कर लें, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लें, और भी कुछ करना है वर्कबुक में तो और भी कुछ भी कर लें, ओके ठीक है, क्लियर है? ओके तो ये हम सेट के साथ यूज, हाँ सेट के साथ करते हैं। ओके इसमें डिफाइन नहीं होता है, डीमार्क वर्ग डिफाइन नहीं होता है, कोई प्रोसीजर है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो हमने आज आपके साथ डेटा टाइप्स के बारे में बताया, हमने बताया आपको किस तरह से डेटा टाइप्स यूज किया जाता है, दूसरा हमने बताया कि डेटा टाइप्स में एरे का क्या रोल है, और तीसरा हमने बताया डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट का क्या रोल है और प्रोसीजर का क्या रोल है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब जो मैंने बुक्स भेजे हैं उस बुक पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद बुक को स्टडी स्टडी कीजिए। वीकेंड्स आपको है, सैटरडे एंड संडे मिल रहा है, जिसमें आप बुक को अच्छे से स्टडी कर लें और इन सबों के बारे में जानें। पेज नंबर 199 से शुरू कीजिएगा, उसके कुछ पहले के पेजेस, कुछ बाद के पेजेस पढ़िए, वो चैप्टर को पढ़िए पूरा, ठीक है? ओके ओके। और आपको उसको लेने का मन है तो ले लीजिएगा, अगर आपको बुक ना मिले, आपको हेल्प चाहिए हो उसको खरीदने में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फ्लिपकार्ट का लिंक भेज दूंगा। ओके ओके ओके, तो मिलते हैं मंडे को। बिल्कुल बिल्कुल।